अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग, क्या हाल है, कैसे हो सब? तो आज का सीन कुछ ऐसा है, बहुत अमेजिंग सा। आज हम जा रहे हैं ओरनलोफ का, नाम भी मुश्किल सा है, ओरनलोफ का। तो यार बड़ी वीआईपी प्लेस है घूमने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त है। तो बस रात सडनली अचानक प्रोग्राम बन पड़ा, तो हम भी अब निकलने वाले हैं। तो चलें आपको दिखाता हूँ। तो अब बस रवाना होने वाले हैं, ये अपने पीछे सवारी आई हुई है। रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, कुबेल रेडी है। लगता है हमारा प्लाव जो था ना वो नीचे गिर गया है। चुप बोल। नहीं यार, नहीं गिरा होगा। दुआ करो प्लाव ठीक हो। हाँ हमारा ठीक होगा प्लाव, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बच गया, नहीं ठीक 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 है। हमने पुलाव का काम कर दिया है, फिट हो गया, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। ये सीनरी चेक करो आप भाई। हम तो पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तू आ रहा यार, अंदर है यार। ये है ओरनलोफ का, वो पीछे पीछे आपको नजर आ रही होगी, कहाँ है। हाँ ये देखें, ये सारे बंदे ठहरे हैं, ये सारे ये चेयर लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये देखें, ये सारा रश है ये चेयर लिफ्ट के लिए। ये है भाई ओरनलोफ का, ये चेयर लिफ्ट यहाँ से जाती है, पता नहीं ऊपर कहाँ पहुँचती है। फिर आज हमें नहीं लगता कि हमारी बारी आएगी चेयर लिफ्ट के ऊपर। ये इतना बंदे ठहरे हैं, आओ वाह। यार रश की वजह से अभी चेयर लिफ्ट का जो है प्रोग्राम कर रहे हैं कैंसिल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। अभी जा रहे हैं ऊपर, तो फिर वापसी पे देखेंगे चेयर लिफ्ट का सीन बनता है या नहीं बनता। यार ये वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो, मतलब बंदे आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये मतलब चेयर लिफ्ट से थोड़ा आगे है, वही रोड आता है सेम वाला, उससे आगे वाला है, यहाँ से बंदे को पैदल जाना पड़ता है आगे। चल दो भजो। सारे ऊपर पहुंच गए हैं अभी, और हमने कुछ तस्वीरें तस्वीरें खींची हैं। जल्दी चलते हैं, उन्होंने गालियां निकाल ली है। यार वो थी चेयर लिफ्ट वाली जगह, वो आपको पीछे नज़र आ रही होगी, मैं फिर भी दिखाता हूँ। तो हम मशरूतके पे आए हैं यहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर, तो फिर वह यहाँ से सीन दोबारा बन गया चेयर लिफ्ट पे बैठने का। अब दोबारा वहाँ से पैदल जा रहे हैं। यार बंदे की किस्मत ख़राब ना हो, ये कितना लाइन लगी हुई है, तकरीबन 1.5-2 घंटे ठहरे हैं। नहीं खराब हो, लेकिन किस्मत खराब ना। किस्मत खराब ना, तकरीबन 1.5-2 घंटे ठहरे हैं। तो जब हमारी बारी आई, हम गेट पे पहुंचे हैं, तो पीछे ये आ गई है, ये ट्रॉली आ गई है, क्योंकि आगे इसी के ऊपर जाना है। अब ये भेजेंगे पीछे 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 पीछे, वो ट्रक आया हुआ सामने, ये सारा। अब ये ख़त्म होगा, उसके बाद हमारी बारी आएगी। यार बहुत मशक्क़त के बाद मेरी और सकलैन भाई की बारी आ गई है। बस आप ये टिकट दे दी हमने, बस ये पहुँच गए पीछे। कुमैल वगैरह हैं, अपनी सवारी कहाँ है। तेरी क्या मोबाइल गिरता था बिल्कुल। ये हम है,
ये सकलैन भाई हैं और ये हम चेयर लिफ्ट में बैठे हैं। बस भाई अब हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं। ये आपको मैं दिखाऊं सामने, ये सामने उतरने वाले हैं, ये पहुंच गए। फिर यहाँ से अभी स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर बैठ कर हमें यहाँ से निकलना है। चलो फिर आपको स्लाइड वाला मज़ा दिखाता हूँ। यार अपनी ज़िंदगी में तो लाइनें ही ख़त्म नहीं हो रही, पीछे लाइन लगे थे, अब यहाँ पे वो स्लाइड के लिए, वो जो स्लाइडें हैं उसके लिए दोबारा ये सारी लाइन है, तो वो आएंगी फिर चलेंगे। मैं आपको दिखाऊँ क्या चीज़ें। ये देखो ये अब आने वाली हैं स्केट बोर्ड वगैरह। अब ये सारे जंगलियों की तरह इकट्ठे हो गए हैं यहाँ लेने के लिए। पाकिस्तानी जंगली नहीं, ये पाकिस्तानियों से भी बड़े जंगली हैं, ये देखें। अच्छा हम यहाँ पे ज़रा कम कर लें, ये जल्दी से ले लें फिर बताते हैं, पता नहीं मिलती है या नहीं, कुछ पता नहीं है। यार पाकिस्तानी तो इतना किसी खैरात पर भी नहीं लड़ते, चावलों के लिए भी नहीं लड़ते, ये जो इन स्केट बोर्ड्स के लिए लड़ रहे हैं। ओ वाह, हमें नहीं लगती कि आज ये मिले। हम लाइन में ठहरे इन चूतियों ने यहाँ से शुरू कर दिया, ये ऊपर से दे रहे हैं, बंदा क्या कहे। एक तो सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर है वो अलहदा, ये मासी वापस आ गई, इसकी किसी ने नहीं सुनी। कुत्ते वाली करवाने के बाद ये मनोज शक्लें देखे इनकी, हमें वो स्केट बोर्ड नहीं मिली, इतना रश है, वो कहे कुछ सुन ही नहीं रहे चूतिए, बस बंदा अभी नहीं क्या कहे। अपने लोकल्स को, अपने खुद को दे रहे हैं अपने बंदों को, और जो फॉरनर्स हैं उन्हें कुछ भी नहीं, हम कह भी कुछ नहीं सकते इंग्लिश में, कहा उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस हम वापस जा रहे हैं। हाँ रमदानी वापस चलिए, अब पैदल किस्मत खराब थी, ये सारे किस्मत की वजह से हुआ है। बस दिमाग तो बहुत ख़राब हुआ है, क्या करें, चलो कोई नहीं। यार आपको मैं भाइयों वाला मशवरा दूँ ना, यहाँ पे स्केट बोर्ड के लिए जलील ना होना, वो भी उस दिन जिस दिन वीकेंड हो या फैमिलीज वगैरह आई हों। आज जितना हम जलील हुए ना, अल्लाह पूछो, बहुत बहुत बुरी हालत हुई है। मतलब जो लोकल्स थे ना वो खुद ले रहे थे और हमें कुछ नहीं, हमें कहा चलो तुम हेल्प है, हमें क्या, हम भी बस फिर आ गए। भाई की इज्जत है थोड़ी सी, अब ठहर तो नहीं सकते थे, वैसे बोर्ड ठहर लिया था। तो अगर आना भी है ना स्केटबोर्ड वगैरह इंजॉय आपने करनी है, चेयर लिफ्ट इंजॉय करनी है, तो आप आओ वर्किंग डेज में, जैसे हो या मंडे ट्यूसडे थर्सडे इस तरह के। संडे वाले दिन अगर आओगे ना हमारी तरह, जैसे हमारी कुत्ते वाली हुई है, आपकी भी वैसे कुत्ते वाली होनी है, वो बेफिक्र होनी है आपकी। तो आपको मैं वो रूट दिखाता हूँ, मतलब जहाँ से वो स्केटबोर्ड है ना, मतलब वो स्लाइड करके नीचे आ रही हैं। तो हम जब और लोका से निकले हैं, तो अब गवाई ये अब गवाई है यहाँ पे, हाँ हवाई की तरह गवाई है। तो यहाँ पे फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। हाई लोगो, ये है गवाई। यार अब क्रिएटिविटी चेक करें, इन्होंने शेर बना दिया है, वो भी मतलब के टायर नहीं होता टायर, उसी से, और ये रोबोट बनाया हुआ है, ये देखें।